हमारे आसपास की दुनिया को जानने का हमारे पास एक ही साधन है और वो है हमारे सेंस ऑर्गन। मनुष्य और जानवर अपने आसपास की दुनिया को अपने सेंस ऑर्गन द्वारा ही तो जानते हैं। फॉर एग्जांपल, एयर में कुछ खास तरह के वाइब्रेशन को हम साउंड के रूप में अनुभव करते हैं और जीभ से हमें पता चलता है कि खाने का स्वाद कैसा है। देखो, अगर हम अपने शरीर को एक घर माने तो हम कह सकते हैं कि सेंस ऑर्गन उस घर की खिड़कियां हैं जहां से बाहर की जानकारी अंदर आती है। अलग अलग सेंस ऑर्गन अलग अलग चीजों के प्रति संवेदनशील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाक से हमें पता चलता है कि गंध कैसी है, पर उससे साउंड का पता नहीं लगाया जा सकता। और दोस्तों, हमारे शरीर में एक लाइट सेंसिटिव सेंस ऑर्गन भी है, हमारी आंखें। आंख से हमें लाइट का पता चलता है और ये लाइट जब अलग अलग ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आंख के अंदर जाती है तो हमारे दिमाग को उन ऑब्जेक्ट्स को देखने का अनुभव होता है। बस इतना ही नहीं, हमारी आंख में अलग अलग रंग की लाइट में अंतर करने की क्षमता भी होती है और यही कारण है कि दुनिया हमें रंगीन दिखाई पड़ती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आंख हमारे शरीर का सबसे ज्यादा विकसित और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सेंस ऑर्गन है? हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि हमारी आंख में 20 लाख से भी ज्यादा वर्किंग पार्ट्स होते हैं और ब्रेन के बाद आंख ही हमारे शरीर का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। दूसरे सेंस ऑर्गन की तुलना में ब्रेन का सबसे ज्यादा हिस्सा देखने के लिए उपयोग किया जाता है। देख पाने की क्षमता हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने जीवन भर में हम जो कुछ भी सीखते हैं उसका 80% हम देख के ही सीखते हैं। आंख लगभग स्फेरिकल शेप की होती है जिसे आईबॉल कहते हैं और इसका डायमीटर करीब 2.3 सेंटीमीटर का होता है। अब ये जो आंख के आगे की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना, इसे कॉर्निया कहते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। लाइट रेज आंख में कॉर्निया के थ्रू ही एंटर करती है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो सबसे पहले उसे कॉर्निया से ही गुजरना होता है। कॉर्निया का कर्वेचर काफी शार्प होता है और ये एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है और लाइट को कन्वर्ज करके रेटिना पे फोकस कर देता है। अब देखो, ये जो कलर्ड पार्ट है इसे आयरिस कहते हैं और ये मसल से बना होता है। आयरिस ट्रांसपेरेंट नहीं होता है और इससे लाइट पास नहीं हो पाती है, पर इसके बीच में एक छेद होता है और इस छेद का भी एक नाम है। इस छेद को प्यूपल कहते हैं। तो अब मैं इस छेद को छेद ना बोलकर प्यूपल बोलूंगा। आयरिस कुछ इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड होकर प्यूपल को बड़ा या छोटा कर सकती है, पर ऐसा करने की जरूरत ही क्या है? देखो, जब हम किसी कम लाइट वाली जगह पे होते हैं तो हमारी आंख में काफी कम लाइट एंटर करती है और हमें देखने में दिक्कत हो सकती है। वहीं अगर हम किसी ज्यादा लाइट वाली जगह पे हैं तो हमारी आंख में जरूरत से ज्यादा लाइट एंटर कर सकती है और हमारी आंख को डैमेज कर सकती है। जब हम कम लाइट वाली जगह पे होते हैं तो आयरिस प्यूपल को बड़ा कर देता है ताकि प्यूपल से ज्यादा लाइट एंटर कर सके और हम ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाएं। और जब हम ज्यादा लाइट वाली जगह पे होते हैं तो आयरिस प्यूपल को छोटा कर देता है ताकि प्यूपल से ज्यादा लाइट एंटर ना कर पाए और आंख डैमेज होने से बच जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा, कुछ लोग की आंख नीले रंग की होती है, कुछ लोग की आंख हरे रंग की होती है, कुछ लोग की आंख भूरे रंग की होती है और कुछ लोग की आंख काले रंग की होती है। आंख का रंग हमें आयरिस में मौजूद पिगमेंट से ही मिलता है। फाइनल एग्जाम का सीजन चल रहा है और दोस्तों, अगर आप नीट या जेईई जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और इसी बचे हुए कम टाइम को आपको पढ़ते वक्त ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाना होगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो अब इन चीजों पर आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम या चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत उसकी फोटो खींचकर फिलो ऐप पर अपलोड कर दो। 60 सेकंड्स के अंदर आप फिलो ऐप पे लाइव एक एक्सपर्ट ट्यूटर से कनेक्ट हो जाओगे और फिर आप उनसे समझ के पढ़ो और चाहे जितने सवाल पूछो, क्योंकि अब दोबारा सेम चीज पर अटकने का टाइम नहीं बचा। बस इतना ही नहीं, फिलो ऐप पे आप अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। तो अपनी पढ़ाई को प्रोडक्टिव बनाने के लिए अब भी डाउनलोड करो फिलो ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आयरिस के पीछे एक लेंस लगा होता है और ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये उसी टाइप का लेंस है जो मैग्नीफाइंग ग्लास और कैमरे में लगा होता है, पर मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हमारी आंख में लगा लेंस रिजिड मटेरियल से नहीं बना होता है। ये एक ट्रांसपेरेंट फाइब्रस जेली जैसे पदार्थ का बना होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, और ये लेंस लाइट रेस को फर्दर बेंड करके इसके पीछे वाली सरफेस जिसे रेटिना कहते हैं पे फोकस कर देता है, जिससे रेटिना पे एक क्लियर इमेज बन जाती है। तो देखो, पहले तो लाइट रेस को कॉर्निया ने बेंड किया और फिर दूसरी बार लाइट रेस को लेंस ने बेंड करके रेटिना पे फोकस कर दिया। देखो, लाइट की मैक्सिमम बेंडिंग तो कॉर्निया पे ही हो जाती है, लेंस तो बस फाइनल एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है ताकि लाइट रेस एग्जैक्टली रेटिना पे फोकस हो सके और रेटिना पे एकदम शार्प इमेज बने। रेटिना एक पर्दे की तरह होती है और इस पे जो भी इमेज बनती है उसी इमेज को हमारा ब्रेन देख पाता है। इसीलिए जब रेटिना पे एक क्लियर इमेज बनती है तो हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से रेटिना पे लाइट रेस सही से फोकस नहीं हो पा रही है तो इमेज धुंधली बनेगी और ऑब्जेक्ट भी हमें धुंधला दिखाई पड़ेगा।
रेटिना लाइट सेंसिटिव नर्व टिश्यू की एक लेयर होती है और जब लाइट रेज इस पर पड़ती हैं तो इसमें मौजूद सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक पहुँचा देते हैं और ब्रेन इन सिग्नल को समझ के हमें देखने का एहसास कराता है। अब देखो, ये सिलियरी मसल्स हैं और ये जो फ्लेक्सिबल लेंस है ना, ये लेंस कई सारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स के माध्यम से सिलियरी मसल से कनेक्टेड होता है और जरूरत पड़ने पर सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर लेंस का शेप चेंज कर सकती हैं। जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है और इसका कर्वेचर भी बढ़ जाता है, और जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो लेंस पतला हो जाता है और इसका कर्वेचर भी कम हो जाता है। और ऐसा करके हमारी आंख अलग अलग डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट को सेम डिस्टेंस पर मौजूद रेटिना पर फोकस कर सकती है। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट काफी दूरी पे रखा होता है तो उससे आने वाली रेज लगभग पैरेलल होती है। अब ध्यान से देखना, ये पैरेलल रेज जब कॉर्निया से पास होती हैं तो कॉर्निया से बेंड करता है और कॉर्निया के बाद इसे लेंस बेंड करके रेटिना पे फोकस कर देता है। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट आपके काफी पास आ गया तो ये लाइट रेज अब पैरेलल नहीं रहेंगी बल्कि ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएंगी, और इसलिए इन रेज को सही से रेटिना पे फोकस करने के लिए लेंस को इन्हें ज्यादा बेंड करना पड़ेगा। और ज्यादा बेंड करने का तरीका है कि लेंस को मोटा करके इसका कर्वेचर बढ़ा दिया जाए, और इसीलिए सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर लेंस को मोटा कर देती हैं ताकि लाइट रेज रेटिना पे फोकस हो जाए और हमें एक शार्प इमेज देखने को मिले। कॉर्निया और लेंस के बीच की जो जगह है उसमें एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसी प्रकार लेंस और रेटिना के बीच में भी एक पानी जैसा लिक्विड भरा होता है जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इन दोनों लिक्विड्स में करीब 99% पानी ही होता है और 1% में कुछ न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स होते हैं। ये लिक्विड आंख में एक प्रेशर मेंटेन करता है जिससे आंख पिचकती नहीं है और इसका शेप मेंटेन रहता है। यहाँ पे आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि जो रेटिना पे इमेज बन रही है वो उल्टी है, क्योंकि आंख में लगा लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, और आपने पढ़ा होगा कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस एक रियल इमेज बनाता है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर रेटिना पे बनने वाली इमेज उल्टी है तो दुनिया हमें सीधी क्यों दिखाई पड़ती है। देखो, इसका अगर मैं आपको सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दूं तो वो ये है कि रेटिना पे बनी उल्टी इमेज को हमारा दिमाग सीधा समझता है। इस क्वेश्चन को अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको कई थ्योरीज मिलेंगी, पर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारे ब्रेन के पास जो भी विजुअल इन्फॉर्मेशन है वो वही इन्फॉर्मेशन है जो इमेज हमारे रेटिना पे बन रही है, और उस रेटिना पे सभी ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी बनी हुई है, और हमारे ब्रेन को कोई ये बताने वाला तो है नहीं कि जो आप देख रहे हो वो उल्टा है। ब्रेन तो बस उस विजुअल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करता रहता है और अपना काम काज चलाता रहता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे पृथ्वी पर खड़े हम लोग पृथ्वी के घूमने के कारण हर रोज उल्टे हो जाते हैं और फिर वापस सीधे हो जाते हैं, पर हमें इस बात का पता ही नहीं चलता क्योंकि हमारे साथ साथ पूरी दुनिया ही उल्टी और फिर सीधी होती रहती है।